चतुर्वेदी इनर वीट क्लब ऑफ लखनऊ की शाखा ने आज समाज में हो रहे बदलाव, जिसमें कि आज की तारीख में लोग नशे को अपने जीवन का हिस्सा मान रहे हैं और वो हिस्सा आज समाज को खोखला कर रहा है, इसी के खिलाफ, इसी की जागरूकता के प्रति आज इनर वीट क्लब की महिलाओं ने लखनऊ में अपनी होल्डिंग से के माध्यम से इसके विरुद्ध एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिहैबिलिटेट करना है। इस तरह के जो लोग हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे मोटिवेट करेंगे टू इन आदतों से दूर? आइडेंटिफाई तो देखिए, आज के सोसाइटी में सभी ये गुटखा, तंबाकू, स्मोकिंग एंड इसका बहुत है। यंग जनरेशन में ड्रग्स का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होने लगा है। मतलब उसको एक बुरी चीज़ नहीं मान के एक ज़रूरी चीज़ के उससे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जितना हम लोग कोशिश कर सकते हैं हम उसको कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वर्कशॉप करते हैं और उनको उनका काउंसलिंग करते हैं, थोड़े थोड़े समय पे वेबिनार्स करते हैं स्कूल के स्टूडेंट्स और सोसाइटी में ऐसी जगहों पे जहाँ इनका कंजम्पशन ज़्यादा है। तो उसके साथ में जो जितना कर सकते हैं हम पूरी कोशिश में हैं और इससे बहुत चीज़ें भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उसमें बदलाव नहीं लाया है। हमारी कोशिश के बाद हमारे ही हमारे वर्कशॉप में कम से कम 5 लोगों ने स्मोकिंग और गुटखा एकदम पूरी तरीके से छोड़ दिया है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून पास किया है कि जो लोग ड्रग्स लेते थे उनको पहले बुरा माना जाता था, उनको जेल भेजा जाता था, अब उनका रिहैबिलिटेशन हो रहा है। हाँ जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा स्टेप है और हम उसको एक बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती और उससे तो ये सब चीज़ें कुछ जाती नहीं है और उससे फ़र्क नहीं होता। तो ये एक अच्छा वो है, उसके लिए हमने दूसरी तरीके से उनको मोल्ड करके और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में उनको तरीके तरीके की चीज़ें और दूसरी तरह से सिखा के कि वो अपने माइंड में उनको धीरे धीरे वो खुद उसको क्विट करें और ज़बरदस्ती नहीं हो सके। तो अच्छा स्टेप है, बहुत अप्रिशिएबल है।